ये क्या है गोलू? क्या है हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं और आरती और आयुष्मान जाएंगे आयुष्मान के स्कूल, क्योंकि आज क्या है गोलू वहां पे पीटीएम मतलब क्या होता है बेटा? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, आज हम लोग वहां मिलने जाएंगे आपके टीचर्स से। ठीक है, और आज गोलू का रिजल्ट आएगा ना, आपके लिए एग्जाम हुए हैं गोलू के और अब रिजल्ट आएगा। आज किसकी बारी है? रिजल्ट की बारी है। यस, और एक लवी भी आप स्कूल जाएगा, हम पहली बार जाएंगे ना। लिखा तो उसने वैसे ही होगा, तुझे पता ही है। नर्सरी का बच्चा कैसे लिखेगा? वही पता चलेगी। चलते हैं, चलते हैं, चले गोलू। यहाँ छह माह का रिजल्ट लेके आते हैं। स्कूल जुलाई से गया, रिजल्ट छह माह का लेंगे हम, है ना आयु? आयुष्मान का प्रभाव अच्छा लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना अच्छा, ऐसा सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा था वहाँ पे, अच्छा करेगा, मुझे ये भी लिखा छोड़ तो वहाँ एक्टिव एक्टिव कितना था वो सबको हंसाया। ये पूछा उनको कि कोई नेगेटिव पॉइंट है इसका, तो बोलते हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं कोई नहीं है, सारे अच्छे पॉइंट है और ये जैसे अभी कर रहा हरकत है ऐसे करता है। मतलब कि ठीक है, चलो अच्छा है, इट्स गुड, गुड। ये क्या है गोलू? इसका रिजल्ट ही है। क्या है? स्कूल में पहली बार पीटीएम में हमारे माँ बाप तो आए होंगे, नहीं आएंगे पता नहीं, मेरे तो नहीं आए, सरकारी स्कूल में नहीं आता कोई, फिर आए थे, हाँ तो मेरा नहीं आता था कोई। बहुत ही ज्यादा उनको मतलब ये बोला गया था कि बहुत डल है, मतलब अपने बच्चों को ऐसे, अपने बच्चों को ऐसे देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, मुझे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये था कि वहाँ पे ना एक्टिव था, मतलब हाँ इतनी बड़ी बात नहीं, वो सब लोग अच्छा ही बोल रहे थे। नहीं वहाँ पे वो एक्टिव था, मुझे वो अच्छा लगा। मुझे रिजल्ट कोई लेने देने नहीं है, क्योंकि तीन महीने में बच्चा क्या सीखेगा, वो तीन महीने में स्कूल कितने दिन गया? नहीं मुझे भी ये लगा था कि रिजल्ट तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं बोल के जब बहुत अच्छा मिले तो अच्छा ही है। तो अच्छा था आज, तो चलिए फिर चलते हैं अब घर को। ठीक है, चले आयुष घर पे, चलो करेंगे पार्टी, करेंगे क्या पार्टी में? भात और दाल खाएंगे, भात और दाल खाएंगे। क्या खाएंगे? नहीं तेरी मम्मी का तो फेवरेट जो बात है। तो चलें फिर, चलो। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ खाना है। अच्छा, रिजल्ट किसका आया? मेरा। अच्छा, वो पीटीएम से हम घर पे आ गए हैं और मिलते हैं आपको। पता आयु गोलू, दादी को बताओ ये इधर मिठाई गोलू दे मम्मी। मैंने कहा डॉक्टर को बोला इसके गले में बलगम जम गया है, ये वहां पे सबको बोल रहा है मेरे सर पे हाथ लगा, सर पे सर जम गया। ये रहा आयुष्मान का रिजल्ट, और रिजल्ट को देखने आ गए हैं मिस्टर एकलवी। बहुत मजा आया आयुष्मान के स्कूल जाके आज, और आयुष्मान ने खूब एंटरटेन किया सबको। जब हम गए उससे पहले वहाँ सब शांत हो रखा था, और जैसे ही आयुष्मान गया उसके बाद उसने वहाँ जो आंधी लेके आया भाई अपना। लेकिन अच्छा लगा, ठीक है, नंबर ये सब सेकेंडरी है, पहला तो ये है कि भी वो एक्टिव रहे हमेशा वहाँ। स्कूल जाने के लिए एक चीज़ है स्कूल की, बहुत अच्छी खासियत है कि उसने आज तक
डे वन से अभी तक उसने एक दिन भी ये नहीं बोला कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो वो हमेशा स्कूल जाने के लिए खुश रहता है। इसका मतलब स्कूल अच्छा है और वहाँ पे वो लोग उसको इतना प्रेशराइज नहीं करते। तो अभी बच्चा है तो इसलिए इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ खुश किसी इस बात की है कि हाँ पहली बार मैं भी अपने बच्चे की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में शामिल हुआ और मुझे होके अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ हुआ होगा, मेरे माँ बाप कभी मेरे स्कूल आए होंगे, लेकिन ठीक है उनकी अपनी परिस्थितियाँ थी और आपका टाइम अलग है। तो ये था आज का ब्लॉग और मिलते हैं आपको आगे, बने रहिए है।